आज दिनांक 6 फरवरी 2022 को सामंत गांधी के नाम से प्रसिद्ध खान अब्दुल गफ्फार खां की 132वीं जयंती शहीद सुखदेव सिंह समन्वय समिति सुखदेवी सभागार में मनाई गई, जिसकी अध्यक्षता अमृत कुमार सिंह ने किया। अध्यक्ष संबोधन में उन्होंने कहा कि सामंत गांधी अपने 98 वर्ष के जीवन में कुल 35 वर्ष जेल में ही रहे। नमक सत्याग्रह के दौरान भी उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके विरोध में खुदाई खिदमतगारों के एक दल ने प्रदर्शन किया। अंग्रेजों ने इन प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाने का आदेश दे दिया, जिसमें सैकड़ों लोग मर गए। इस घटना में अंग्रेजों के खिलाफ देश में न्याय विभाग पैदा हो गई थी। जब मुस्लिम लीग भारत के बंटवारे पर आई हुई थी, तब सामंत गांधी ने इसका सख्त विरोध किया। उन्होंने पाकिस्तान के भीतर ही स्थान नामक एक प्रशासनिक इकाई की मांग की। पाकिस्तानी सरकार ने उन पर संदेह करते हुए उन्हें घर में नजरबंद रखा। इस तरह भारतीय इतिहास में करिश्माई नेता का जीवन जेल में ही बीत गया। वर्ष 1988 में उनकी निधन हो गई थी। छात्र अनिकेत कुमार पाठक ने कहा कि खान अब्दुल गफ्फार खां का जन्म आज के दिन वर्ष 1890 में हुआ था और उनको 1987 में भारत रत्न से भी सम्मान दिया गया था। ऐसे महापुरुष को मेरा सत सत मन। इस अवसर पर डॉक्टर एम एन रहमानी, अमर कुमार, विष्णु कुमार, किशन कुमार, मुकुल कुमार, पप्पू कुमार, विक्रांत कुमार, राजा कुमार, संजय कुमार, रोहित कुमार आदि ने उनके तैलचित्र पर माल्यार्पण किया। बीएनपी न्यूज के लिए संवाददाता शिवम कुमार की रिपोर्ट। ये सुपर कॉली के युवा सब है। आज सुपर कॉली जो सुखदेव बाबू के नाम से इस वार्ड का नाम सुखदेव नगर रखा गया है। सुखदेव सभागार हॉल भी इनके नाम से इनके स्मारक द्वार पर आज हमारे युवा तुक ने आकर और सामंत गांधी के जन्मदिन पर अपना विचार व्यक्त किया और उनके प्रति सम्मान किया और उनको माल्यार्पण किया। धन्यवाद। धन्यवाद। हाँ, आज सामंत गांधी अब्दुल गफ्फार खां से नाम से प्रसिद्ध थे, जिन्होंने उनका आज 132वीं जन्मदिन है और वो पाकिस्तान और भारत के बंटवारा में भी विरोध किए। और अब्दुल गफ्फार खां जो सामंत गांधी नाम से प्रसिद्ध थे, जिन्होंने समाज के लिए मुस्लिम रहते हुए हिंदू मुस्लिम एकता बनाए, अंग्रेज खिलाफ लड़े और जब अंग्रेज खिलाफ मीटिंग किए, अंग्रेज के जवानों ने भून दिया, उनके संगठन बनाए थे ट्रेड यूनियन। आज मैं उसे गांधी सामंत गांधी उनको भारत रत्न भी मिला। 35 साल तक जेल में रहे। ऐसे महान देश भक्त को मैं सशस्त्र नमन करते हुए कहना चाहेंगे, न जात पर न पात पर किसी पार्टी के बात पर, आज सामंत गांधी के विचारों के बात पर आज शहीद सुखदेव स्मारक द्वार पर आज उनकी 132वीं जयंती मनाई जा रही। आज युवा तुर्क युवा है शान, देश के नौजवान इस युवा पर देश का है शान, ऐसी युवा चाहेगा बड़ी बड़ी करेगा परेशान, यही अमरिंदर के पहचान। मैं शिक्षक रविंद्र कुमार सिंह एक अगर ना लगा इनकलाब जिंदाबाद, अमर गांधी जिंदाबाद, अमर गांधी अमर रहे, अमर गांधी अमर रहे, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, सामंत गांधी का 132वां जयंती मनाए जा रहे हैं सर के सहयोग से। और हम लोग जितने भी युवक हैं, हम लोग को जागरूक होना चाहिए इसके प्रति और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहिए, ताकि हर हिंदुस्तान में हर जगह इसको पहचाना जाए, जो कि आज के समय में लोग हर जितना भी देशभक्त हैं, देशभक्ति लोग कुछ नहीं करते हैं, कोई भी जयंती नहीं मनाते, लेकिन सर हर जितने भी देशभक्त हैं या वो देश के लिए प्रति हो या कोई भी चीज़, सब चीज़ जयंती मनाते हैं सर, इसलिए हम सर को धन्यवाद करते हैं। मेरा नाम पप्पू कुमार हुआ, मैं सर्वोदय निवासी हूँ, ठीक है ना।